एवरीवन वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पुरी से बैक टू आवर नेक्स्ट प्लेस। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से, और जो होटल है अपना बेंसिन होटल, अच्छा होटल था, बढ़िया था, खूब इंजॉय किया हमने, मज़ा आया यहाँ पे। तो फिलहाल लगभग सुबह का 9 बज चुका है, तो सभी लोग आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो पूरी का जो ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा रहा, तो सब लोग धीरे धीरे ब्रेकफास्ट पे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सारे जने धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। सनी क्या खा रहा है? मैं इसकी प्लेट में से ये उपमा ट्राई कर रहा हूँ, कैसा होगा? ओके, तो सारे जने ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। खाली मनसी और गौरी दोनों जने इतना थक गए हैं कि वो दोनों सो गए हैं। और आपको अगर पुरी आना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, होटल में अच्छा होटल है, नॉमिनल है, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियोकर से थोड़ा अबव एवरेज मांग सकते हैं आप। और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा यहाँ पे। और फिलहाल हम करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते रहेंगे आपको, अभी ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपसे। वह 9:30 हम लोग अब निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर चुका, ब्रेकफास्ट करके एकदम हैवी हो गया स्टमक। और यहाँ हमारी गौरी और ये दोनों बहनें सो रही हैं, इतना ज़्यादा थक गई थी ये दोनों, तो सो रहे हैं बिना, पहले उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं नंदन कानन, तो उसके आगे देखते हैं फिर क्या रहेगा हमारा सीन। तो ये रहा अपना होटल, होटल बेंसन, और नीचे इसके शुरू बना है रॉयल इनफील्ड का। तो अब हम लोग सारे बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब निकलने की हो रही है तैयारी। टाइम हो गया 11:15 और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, पिछले जब से पुरी में आए हैं तब से हमारी जो गाड़ी है ना उसका एसी ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे नौ दुर्गा की वजह से, ये पूजा बोलते हैं उसको, छुट्टियाँ चल रही थी, तो बड़ी मुद्दतों के बाद एक एसी शॉप मिला है फ्रेश कार एसी वाले। तो अब यहाँ पे क्या है, जो गाड़ी खोली है उन्होंने, अब यहाँ पे ये जो पाइप होता है ना एसी का वो ख़राब हो गया है, तो वो चेंज होगा। और ये बोल रहे हैं टाइम, अरे टाइम ही है भाई, पहले तुम उसको चेंज कर, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे, क्योंकि बगैर एसी गाड़ी चलाना और गाड़ी में बैठना दोनों ही इम्पॉसिबल हो गया है। तो गाड़ी का सबसे पहले हम एसी ठीक करवाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो शाम को तो हम लोग छोड़ के आ गए हैं वहीं गाड़ी वाली शॉप पे, और हम लोग सारे आ चुके हैं भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जू, सभी को पता होगा, उसका नाम है नंदन कानन। तो बस वहीं जा रहे हैं, और मौसम इतना खूबसूरत, इतना सुहावना हो रहा है कि क्या बोला जाए। जब से आए हैं पूरी तब से बढ़िया मौसम हो रहा है। और फिलहाल एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और अब चलते हैं अंदर पार्किंग एरिया की तरफ और गाड़ी करते हैं पार्क। और हल्की हल्की छाटा छाटी भी शुरू हो चुकी है, टाइम हो चुका है दोपहर का 1, और हल्की सी बारिश हो ही रही है यहाँ पे। और हम लोग आ चुके हैं सेकेंड लार्जेस्ट जू नंदन कानन, जो कि भुवनेश्वर में है। तो इसका जो पार्किंग एरिया है वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, तो वो मैं लौटते में दिखाऊंगी आपको। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं टिकट काउंटर पे और टिकट्स लेंगे, और आगे का क्या प्रक्रिया है वो हम आपको बताते हैं। बारिश के कारण पानी जगह जगह भर चुका है यहाँ पे, तो हम लोग को क्या घूम के आना पड़ रहा है। और यहाँ पे पानी भरा हुआ है अच्छा खासा, और ये पता नहीं कितना गंदा पानी है, पता नहीं कब से नहीं बदला है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गंदगी कर रखी है इधर। और फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर, और अंदर आ चुके हैं, और भीड़ देखने लायक है भाई साहब। इसको देख के तो आधी जान हम सबकी यहीं अटक गई कि इतना ज़्यादा रश है नवरात्रों में, और ये पूजा के टाइम पे तो वाकई में आना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश उम्मीद ही नहीं की थी इतना ज़्यादा रश होगा जितना हमने देखा है। फिलहाल तो एंट्री टिकट लेने के लिए गया है सन्नी, तो एंट्री टिकट लेकर आएगा, उसके बाद होगी अंदर एंट्री। तो सफारी की जो टिकट है वो बाद में है, पहले हमारी जो मेन एंट्री गेट की टिकट है ना उसका हमने टिकट लिया है, और वो शायद 40 या 50 रुपये पर पर्सन है, और बच्चों की लगी नहीं है। और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर जाके क्या नज़ारा मिलता है। हम लोग एंटर हो चुके हैं नंदन कानन में, तो पहले हमें क्या करना है, जब हम पार्किंग से बाहर निकलते हैं उसके बाद लेते हैं टिकट एंट्री का, एंट्री टिकट लिया जाता है पार्क के अंदर आने का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके हमें क्या लेना है, सफारी का टिकट, कि आपको बस से जाना है या इस तरीके की अपने
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो जाती हैं और आपको पूरा पार्क विजिट कराते हैं, तो वो उसके लिए वहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन हो रही है। तो सारे जने वहाँ खड़े हैं, हम इधर आ गए थे बुआ जी के साथ, बुआ जी यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि इतनी देर तक वो खड़े रह नहीं सकते, तो अभी हम फिलहाल वेट कर रहे हैं। उधर ये लोग टिकट वगैरह लेंगे सफारी का, उसके बाद आएगा अपना नंबर सफारी में बैठने का। और एक इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन ये कि जब आप आते हो ना पार्किंग के बाद, मेन अपने इकोलॉजिकल पार्क में एंट्री करने का टिकट जो क्या है, 11 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 12 साल तक तो अपना टिकट फ्री है और उसके ऊपर अपना 50 रुपये का टिकट है अडल्ट का, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है अडल्ट की। बाकी मैं आपको पूरा चार्ट दे दूँगी टिकट्स का ताकि आप लोग इजीली पढ़ सकें। तो ये है अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी के ड्राइवर जी जिनका नाम है जगन, और इनसे बात करके हमें ये पता कि एक्चुअली में ये सफारी नहीं है, सफारी तो कुछ और है। कितनी टैनिंग हो गई ने यार, हम लोग को अपने आप को कैमरे में देख के लग रहा है कि कितने टैन हो चुके हैं। बाकी मैं बीच साइड आओ तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। पता है यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है? पंगा ये है कि यहाँ पे ये हर पॉइंट के पे जहाँ पे एनिमल पॉइंट्स है वहाँ पे हमें उतारेगा, और हमारी इससे बहस चल रही कि भैया हमें उतरना नहीं है, हमें तो जहाँ से सफारी होगी वहाँ पे छोड़ दे, हमें नहीं उतरना है, हमें कुछ भी नहीं देखना है उतर उतर के। इतना ज़्यादा रश है, इतने रश पे अगर खड़े होंगे तो दो दो घंटा लग जाएगा लाइन में लग लग के, फिर एक एक एनिमल को देखेंगे। तो हमने एनिमल देखने तो हम फॉरेस्ट जाके विजिट करेंगे, यहाँ पे तो हमें नॉर्मली एक सफारी विजिट करनी है। तो देखते हैं कैसे क्या सीन है। तो काफ़ी सारी माथा फुड़ी कर कर आके इसने बात सुनी, नहीं तो ये बात सुन ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा हमसे इससे बहस हो रही थी। तो फाइनली ये मान गया और सारे हम लोग क्या इसके ऊपर चढ़ गए थे कि नहीं हमें आगे ले जाके जहाँ से सफारी पॉइंट है वहाँ पे छोड़ दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम ना इतना वॉक कर सकते हैं और ना ही हम इतनी भीड़ में खड़े हो सकते हैं लाइन में, क्योंकि यहाँ का तो जो मैनेजमेंट है ना उसको देख के तो हवाइयाँ उड़ गया वाकई में। तो यहाँ से शुरू होगी सफारी और यहाँ पता क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है क्योंकि लाइन के चक्कर में हो रही है लड़ाइयाँ, और स्टाफ का एक भी बंदा मैनेज करने को रेडी नहीं है, बोल रहा है हो रही लड़ाइयाँ तो होने। प्यारे प्यारे डियर्स जो अंदर जा चुके हैं क्योंकि एक और बस आ चुकी है, आवाज बहुत भयंकर नहीं आ रही होगी। सफारी होने वाली है शुरू, तो बरसात शुरू हो चुकी है, अब बरसात का तो पता ही चल रहा है कब हो रही है और कब बंद हो रही है। बाकी मौसम तो वाकई में सुबह से ही ऐसे लग रहा था कि बरसात होगी, पर बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है, उम्मीद से भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है। और अब ऐसे मौसम में कैसे जानवर देखेंगे हम लोग को, लेट्स सी क्या रहता है, अंदर जाके सीन पता चलेगा, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो हमें पता नहीं है क्या प्रोसेस है यहाँ का, विजिट किस तरीके से करवाते हैं ये लोग। तो फिलहाल यहाँ रह के सबसे ज़्यादा जो आनंद उठाया है ना वो यहाँ पे लड़ाइयों का, लोगों ने भयंकर लड़ाइयाँ कर रखी हैं, बहुत ज़्यादा बवाला मचा रखा भाई साहब, बिल्कुल भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो स्टाफ है वो पता नहीं किस तरीके से अथॉरिटी ने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि मतलब हाइट्स हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना ध्यान रखने वाला है, इस पर थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा जू है और अभी फेस्टिवल टाइम है तो ज़्यादा भीड़ है। तो मेन पॉइंट सभी है कि यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, और ये वापस से एक पंगा और हो गया। इस टाइम पर तो लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़िया है कि हाथापाई पे बात आ गई है। तो यहाँ से अपनी सफारी हो चुकी है शुरू, सारे सेटल्ड, और जो कंडक्टर साहब है वो बोल रहे हैं कि भाई सफारी शुरू हो चुकी है तो कोई भी शोर शराबा ना बनाए, ना करे, एक्चुअली सब लोग शांति बना के रखें। और यहाँ पे ये है पूरा कच्चा एरिया और यहाँ पे बस से ही सफारी कराई जाती है, और बारिश की वजह से जो माहौल है वो भी थोड़ा सा कीचड़ वाला हो चुका है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये करवा रहे हैं टाइगर की सफारी, तो उस तरीके के दो चैनल गेट लगे हुए हैं, तो पहला हमने क्रॉस कर दिया है और जब पहला ओपन करते हैं तब तक सेकंड वाला बंद रहता है, उसको नहीं खोलते हैं। फिर जब पहला क्लोज हो जाता है उसके बाद ये सेकंड वाला चैनल है उसको खोलते हैं, उसके बाद हमारी एंट्री होती है। तो हमने सबसे पहले एंट्री करते ही मोर देखा था, उसके बाद हमने टाइगर्स देखे हैं, और टाइगर भी हमने ज़्यादा मतलब दूर से देखे, मैंने तो दो देखे थे, बाकी लोगों ने एक एक टाइगर ही देखे थे। तो फिलहाल दूर से हमने टाइगर की
सफारी भी कर ली है और अब हम चलेंगे लॉयन सफारी की तरफ। तो हर एनिमल का अलग अलग जोन बना रखा है यहाँ पे। टाइगर सफारी के लिए टाइगर का जोन अलग है, लॉयन का अलग जोन है, बियर का अलग है, डियर का अलग है और बरसात ने तो आतंक मचा रखा है। बरसात बहुत तेज है और फिलहाल हमने टाइगर देख लिया है, पीकॉक देख लिया और अब हम देखते हैं लॉयन। तो यहाँ पे ये जो दो लॉयन बैठे हैं बेचारे बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, काफ़ी ओल्ड एज लॉयन है काफ़ी। और जो लॉयन होते हैं ना वाकई में आलसी भी बहुत होते हैं और ये तो काफ़ी बब्बर शेर शांत नहीं है, शांत जितना दिख रहा है नहीं, बट हाँ ये काफ़ी देखने में लग रहे हैं कि इनकी एज काफ़ी है। और जो हमने टाइगर देखा था ना उसकी एज भी काफ़ी थी, वो भी यंग नहीं था टाइगर, वो भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी एज है उसकी। और अब हम एंटर हो रहे हैं बियर सफारी के अंदर। तो ये पहला गेट है जिसको ओपन करते हैं, ओपन करते ही हमें सबसे पहले दर्शन हो गए स्लॉट बियर के। और यहाँ पे बियर सफारी के अंदर इन्होंने बताया था कि चार बियर है, तो हमने दो से तीन तो देख ही लिए, तीन क्या बल्कि चार ही देख लिए थे और दो तो हमने करीब से देखी और दो थोड़ा दूर से देखते थे। तो यहाँ पे हमने स्लॉट बियर भी देख लिया, टाइगर भी देख लिया, लॉयन भी देख लिया। अब बारी आती है हिरन की। तो हिरन तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, हिरन तो हम जब गांव भी जाते हैं तब भी कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी डियर एक ऐसा एनिमल है जिसको जिसको जितनी बार देखते हैं ना उतनी बार अच्छा लगता है। और इस तरीके से हमारी जो सफारी है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम उतरेंगे और वापस हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हम लोग सफारी करके निकले और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई कि हमें कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ा। पहले तो हम उस पेड़ के नीचे थे बट भीग रहे थे, तो इधर एक शेड है वहाँ पे आ गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है यार और अभी तो रास्ता भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी हमें दूर तक जाना है और हम वेट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हम यहाँ पे फंस गए हैं, टाइम हो गया 3:30 और बरसात एकदम से बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि हम लोग निकले थे बस सफारी करके और जा रहे थे अपनी गाड़ी में। इतनी देर में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो गई, हमें एक शेड के नीचे आना पड़ा। मेरे जैसे नीचे आप देखते हैं इतनी ज़्यादा रश हो गई, इतना रश हो रहा है एक शेड से। हम लोग भी चलिए फंस गए हैं यहाँ पे और अब देखते हैं कितनी देर में बरसात होती है। बारिश का नज़ारा इस तरीके से, बारिश बहुत तेज ही है, आई डोंट नो कितनी देर में रुकने वाली है। फिलहाल जो सफारी थी वो बढ़िया थी, हम लोग सारे जने भीग चुके हैं। ऐसी हालत है कि हमें ब्लॉग बनाना देख रहे हैं भाई, गाड़ी का गाड़ी आ जाए, रुक जा भाई बारिश रुक जा ताकि हम सब जा सके। यार आज तो पूरे भी गए हम लोग, पता नहीं कितनी देर तक ये चलेगी बरसात। चुका है चार, आप मेरे पीछे जितना भी ये रश देख रहे हो, हम लोग अभी एक्चुअली बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से स्टक हो गए और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारे लेक, इतनी देर हो गई हमें यहाँ पे खड़े हुए, इतनी देर से जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारे खाली जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये, अगर आप नंदन कानन आते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के आइए, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और स्पेशली जब आप बच्चे और बड़ों के साथ आते हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप बच्चों के साथ ही विज़िट करते हैं बड़ों के साथ, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पे इंजॉय करते हैं। तो ऐसी जगह पे आने से पहले आप लोग 10 बार सोचिए, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो तरीका है एक्चुअली में सारा ही ब्लंडर है। और बिल्कुल हम तो पर्सनली यहाँ पे नेक्स्ट टाइम किसी को एडवाइस भी नहीं करेंगे आने के लिए। यहाँ पे देखो इतनी तेज़ बरसात हो गई और यहाँ से जो मेन गेट है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है और अब हम कैसे जाएं यहाँ पे, इतनी देर से खड़े हैं, पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं और हम सारे यहाँ पे हो गए हैं गीले। हम बच्चे हम लोग तो मैनेज कर ले पर यहाँ पे जितने भी बच्चे और बड़े हैं उनको मैनेज करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ से जाएं कैसे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे जगह बैठे हैं और इतनी अव्यवस्था है। वहाँ पे जो बंदा था मेन वो हम लोग को मना कर रहा था, पर हम सारे जने यहाँ जबरदस्ती लोड गए और इनकी फैमिली थी इनके साथ, हम लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए, इन्होंने कॉपरेट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आगे हम लोग ये कंप्लेन करने वाले हैं, अब मुझे पता नहीं ये लोग कैसे कंप्लेन करेंगे, पर हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कंप्लेन कर रहे हैं कि नंदन कानन काफी सारे लोग आते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है यहाँ का,
इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मतलब हम ही लोग नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हमने जिनसे भी बात की ना, सब बेचारे डीमोटिवेट, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे कि हम ऐसी जगह पे क्यों आए जहाँ पे इतनी अव्यवस्था। देख रहे हो इतनी तेज बरसात हो रही है, बहुत भयंकर वाली तेज बरसात हो रही है। हम तो पूरे गीले हो गए, तो इतना गंदा गंदा सा लग रहा है ना अंदर से गाइस। तो जब पानी में गीले हो जाते हैं ना, उसके बाद पानी में नहीं जाते, गंदी गंदी सी ही फीलिंग आती है। ये देखो, ये भी हमारे तरह हैं, तो इस पर तो छाता है, वो हमारे तरह है। देखो लेट। तो अब यहाँ से लेते हैं रवान की ओवरऑल जो अपना नंदन कानन का एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हम लोग का। तो ये पहला और आखिरी ट्रिप है, मतलब बहुत ही मन से आए थे यहाँ पे कि बच्चे इंजॉय करेंगे, बट यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। थोड़ा सा मतलब ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मैनेज रहता है, सब कुछ है, बट अगर एक्चुअली वैसे ऑफ सीजन में मैनेज करें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मैनेज करना होता है जब पूरा सीजन टाइम होता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, नवरात्रों का टाइम है, तो इस टाइम पे पूरे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी है। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या जो भी सफारी का सिस्टम है या जो भी स्टाफ है, उनको या तो थोड़ी ट्रेनिंग दे किस तरीके से कस्टमर से डील किया जाए और किस तरीके से चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे हम डिसअपॉइंट हैं, हमारे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसअपॉइंट हैं, बट हम शिकायत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और ताकि ये जो जू है अपना, जो इतना फेमस है एक्चुअली में ग्लोबली भी और अपने इंडिया में भी, कि लोग यहाँ पे आए और विजिट करें, इंजॉय। शाम का 6 बजकर नंदन कानन वर्स्ट एक्सपीरियंस, तभी दोबारा जाने लायक हुई है। और अब हम लोग आए हैं रस्ते में, अभी आके मैंने किसी एक पेट्रोल पंप से बैले और बेदाम के कपड़े लिए थे, क्योंकि हमारे कपड़े शाम की गाड़ी में, और शाम की गाड़ी का एसी ख़राब हो गया था, फाइनली वो सही भी हो गए। और सुबह हम लोग होटल से जब निकले थे तब हमने किया था ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग रुके हैं हाईवे में, कटक में रुके हैं एक जगह पे, अब यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना, चाय पियेंगे, उसके बाद गाड़ी में बैठे और बस। आज का जो एक्सपीरियंस है बहुत मेमोरेबल है, सबने चेंज किया है कपड़ा, तो सबने पापा वही के वही कपड़े में सारे चेंज, और यहाँ पे कोई ढंग का रेस्टोरेंट ही नहीं है गाइस।